केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। पटना समेत बिहार के कई शहरों में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा व आगजनी। दरभंगा में रोकी ट्रेनें। बिहार बंद को राजद, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान जैसे राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया। दरअसल ये छात्र आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी व ग्रुप डी सीबीटी वन परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, आरा सहित बिहार के सभी बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों ने रास्तों को जाम कर दिया है। कहीं सड़कों पर टायर चलाए गए तो कहीं नारेबाजी की गई। पटना में जाप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। चमगादड़ों में पाए गए नियोकोव, कोरोना ने बढ़ाई दहशत। दुनिया भर में बीते दो सालों से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार सभी को परेशान कर रहा है। फिलहाल अभी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी की चिंताएं बढ़ा रखी है। वहीं अब एक नए कोरोना वेरिएंट का आगमन हो गया है। चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नियोकोव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब खबर झारखंड से। देवघर, बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रूट लाइन, बाबा मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ सुरक्षित जलार्पण कराने के अलावा शीघ्र दर्शनम सुविधा को व्यवस्थित और कतारबद्ध करने का दिया गया निर्देश संबंधित अधिकारी को। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बीएड कॉलेज परिसर में होल्डिंग पॉइंट की व्यवस्था और रूट लाइन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश वरीय अधिकारियों को दिया। देवघर, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में अवैध कोयला, अवैध पत्थर, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन की रोकथाम के अलावा कैटेगरी वन के बालू घाटों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया ताकि स्थानीय लोगों को आसानी से बालू मिल सके। इसके अलावा अवैध कोयला व पत्थर उठाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाते हुए एसपी माइंस चित्रा के कोयला ढुलाई हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। साहिबगंज, मिट्टी की जांच कराकर लगाएं फसल। राजमहल प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को आत्मा कार्यालय की ओर से रबी फसल पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने दीप जलाकर किया। इसमें करीब 100 किसान शामिल हुए। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी कालीपद पाल ने किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए पंजीकरण कराने का काम चल रहा है। सरकार यहाँ बाजार दर से अधिक कीमत पर धान लेती है। गोड्डा, जिले में बम्पर होगी रबी की फसल। जिला में इस बार खरीफ के बाद रबी फसल के बम्पर उत्पादन की संभावना है। किसानों व मजदूरों के प्रयास से इस बार रबी में भी 96% के अधिक बुआई हुई है। फिलहाल रबी में सभी तरह की फसल बेहतर स्थिति में है। किसान एक पटवन कर चुके हैं जबकि दो पटवन और करना है। वहीं अगर सिंचाई मिली तो उत्पादन भी बम्पर होगा। दूसरी ओर रबी में सबसे अधिक गेहूं की फसल जिले में होती है। इस बार गेहूं फसल का आच्छादन भी लगभग 100% हुआ है। दुमका, आत्मनिर्भर बनाने को महिलाएं कर रही जागरूक। मसलिया प्रखंड के मसानजोर क्लस्टर में जेएसएलपीएस का समूह महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। संस्था के लोग इन दिनों गांव की आदिवासी समाज के निचले तबके की महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए समूह में ऋण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। शुक्रवार को मसानजोर पंचायत के गोल बाजार गांव बीआरपी उत्तरापाल व समन्वयक बाबूसार टुडू ने जागरूकता अभियान चलाकर प्रवासी मजदूरों व असुरक्षित परिवारों का सर्वे किया। पाकुड़, झामुमो की बैठक में स्थापना दिवस मनाने पर बनी रणनीति। शहर के लड्डू बाबू आम बागान में जिला अध्यक्ष श्याम यादव की अध्यक्षता में झामुमो जिला कमेटी की बैठक हुई।
बैठक में नवगठित जिला कमेटी, केंद्रीय समिति के सदस्य, सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, नगर अध्यक्ष, नगर सचिव सहित सभी पूर्व सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने कई सुझाव दिए, जिस पर सर्वसम्मति से जिला कमेटी ने निर्णय लिया कि 2 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस पूर्व की भांति लड्डू बाबू आम बागान में दोपहर 1 बजे समिति कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर मनाया जाएगा। राजधानी रांची में क्लीन एयर एक्शन प्लान पर मंथन के लिए जुटे अधिकारी, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के दिए सुझाव को लेकर रांची नगर निगम में क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत 5 विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला परिवहन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग तथा निगम के सहायक नगर आयुक्त महोदय समेत अन्य ने इस पर मंथन किया। डरो मत लड़ो का मूल मंत्र लेकर रांची लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शुक्रवार को रांची लौट गए। रांची लौटने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि वे राहुल गांधी से डरो मत लड़ो का मूल मंत्र लेकर आए हैं, इसी मूल मंत्र के तहत काम होगा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को झारखंड को लेकर घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। अरे घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।